हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियंका गौर। वेलकम टू लर्निंग विद पेस। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, करंट अफेयर्स ये कोई पर्टिकुलर डे की नहीं है, ये जो भी लास्ट 6 मंथ्स में हुआ है उसी को लेते हुए एक्यूमुलेशन में चलेंगे हम। ऊपर नीचे जैसे मंथ्स में ऊपर नीचे हो जाएगा, डेज में ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन जो भी पिछले 6 महीनों में हुआ है उसी को हम कंप्लीट करेंगे इस सीरीज में। और जो ये सीरीज है ये DSSSB, KVS, NVS और सभी एग्जाम में, इवन तो SSC के लिए भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति, मतलब प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता में ये चयन समिति होती है, इसमें किस IAS अधिकारी को CBI का नया निदेशक घोषित किया है या नया निदेशक नियुक्त किया है? अब इसका आंसर है ऋषि कुमार शुक्ला। अब आपसे ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे? या तो आपसे नाम पूछ लेंगे कि किस IAS अधिकारी को CBI का, लाइक CBI पता है ना, जो प्रमुख जांच एजेंसी है, उसका अधिकारी घोषित किया है ऋषि कुमार शुक्ला को। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि नाम दे देंगे आपको कि ऋषि कुमार शुक्ला जो कि एक IAS हैं, उनको किसका निदेशक नियुक्त किया गया है, वो है CBI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है WCD, मतलब वर्ल्ड कैंसर डे, जिसे हिंदी में कहा जाता है विश्व कैंसर दिवस। ये विश्व भर में कब मनाया गया? ये मनाया गया 4 फरवरी 2019 को, 4th February 2019 को। अब ये जब मनाया गया तो इसका कुछ थीम भी रखा गया। ठीक है, उसके थीम की बात करते हैं, उसके विषय की बात करते हैं। 2019 से 2021 तक, जो 3 साल हो गए ये, है ना, 2019 से 2021 तक इसका थीम क्या होगा या इसका विषय क्या होगा? ठीक है, इसका थीम क्या होगा, इसका विषय क्या होगा, किसका? वर्ल्ड कैंसर डे का, विश्व कैंसर दिवस का। इसका विषय है मैं हूं और मैं रहूंगा, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, I am and I will। ठीक है, आपको ये प्रॉपर थीम याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे थीम्स जरूर पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। अब नेक्स्ट देखते हैं, USA में अभी जो 2020 में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं जो अमेरिका में, उसमें कौन सी पहली हिंदू महिला होंगी? वो हैं तुलसी गोबार्ड। अब ये तुलसी गोबार्ड जो हैं, ये पहली हिंदू महिला हैं जिन्होंने घोषित किया है कि वो 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी। और ये वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक हवाई का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2019 में अभी सरकार ने कुछ किसानों के लिए सोचा है। अब वो क्या सोचा है कि किसानों की जो आय है, मतलब जो इनकम होगी, वो डबल कर दी जाएगी, मतलब दो गुना कर दी जाएगी। तो उस योजना का आपको नाम बताना है कि किस योजना के अंडर, किस नीति के अंडर ये किया गया है, किसान सम्मान निधि योजना। अब ये किसान सम्मान निधि योजना जो है ना, इसके अंदर ये कहा, 2019 और 2020 का जो अंतरिम बजट है उसके अंदर ये कहा गया है कि जो किसान हैं उनको सालाना तौर पर 6,000 की कैश, उनकी मदद की जाएगी नगद में, कैश में, जिससे कि कम से कम जो 12 करोड़ हमारे किसान हैं उनको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है कि जो नासा है ना, उसका एक स्पेस टेलीस्कोप है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, हबल को हिंदी में ऐसे आपको लिखा आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है जो कि नासा का है, इसने एक नया न्यू आकाशगंगा का पता लगाया है। अब आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गैलेक्सी। तो एक नई गैलेक्सी का पता लगाया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि किसने पता लगाया है? नासा की जो स्पेस टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप, उसने पता लगाया है। और जो आकाशगंगा है ना, जो नई फाउंड की गई, उसका नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेदिन 1, और हिंदी में भी इसे बेदिन ही कहा जाएगा, बेदिन 1। ठीक है, ये आकाशगंगा का जब इन्होंने अध्ययन किया, जब इस गैलेक्सी को स्टडी किया, तो इन्होंने ये पाया कि जो ये नई आकाशगंगा है ना, इट इज़ क्वाइट ड्वार्फ, मतलब ये बोना है। ठीक है,
अब हाल ही में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन यूरोपियन कंट्रीज ने ईरान के साथ ना पेमेंट चैनल की घोषणा की है, डिक्लेयर किया है पेमेंट चैनल किसके थ्रू होगा। अब देखिए, पहले तो बात करते कि वो यूरोपियन कंट्रीज कौन सी हैं। जर्मनी, फ्रांस एंड इंग्लैंड, ठीक है। जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड ने ईरान के साथ पेमेंट चैनल की घोषणा की, और वो किसके थ्रू, INSTEX, इट स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रूमेंट, आई से इंस्ट्रूमेंट। अब आपको ये तीनों जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, इनके नाम याद रखने हैं। यूरोपियन कंट्रीज के नाम भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कि किन यूरोपियन कंट्रीज ने ईरान के साथ पेमेंट चैनल की घोषणा की। तो इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस, तो आपसे इसका पूरा नाम भी, ये इसके एक्रोनिम भी पूछे जा सकते हैं कि इसका पूरा नाम कैसे होगा। इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस, इसके थ्रू पेमेंट चैनल की, पेमेंट चैनल को डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी जो करंट सीरीज का जो आज का टॉपिक है, आज यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई, आपको मेरा चैनल पसंद आया, ये वीडियो अच्छी लगी, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम इस सीरीज को और अच्छे लेवल पर लेते हुए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस साइड, प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू।